हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल यू आर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हम आरपीएफ एसएलआरई के टेट टेस्ट पर कंटिन्यू वीडियोस ला रहे हैं। इसकी सीरीज चल रही है दोस्तों। इसी सीरीज में आपको बता दें, एक भाई है महेश जाट करके, जिनका अभी टेट टेस्ट हो चुका है और उनका टेट टेस्ट था गार्डनर। जी हाँ दोस्तों, अभी फर्स्ट पर्सन मिले हैं जो अपना लाइव इंटरव्यू देने वाले हैं, मतलब कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि उनके साथ वहां पर कैसा क्या हुआ। तो दोस्तों बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि यह फर्स्ट वीडियो है गार्डनर के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं महेश जाट से डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, उनके साथ वहां पर क्या करवाया गया और क्या नहीं। इससे पहले डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के बाजू में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, अधिक से शेयर भी करें। हाँ तो भाई, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले, क्या नाम है आपका? नाम मेरा कुमार है जी। अच्छा, आपका टेस्ट आप कौन से टेट से थे? माली। और आपका किस डेट में एग्जाम था टेट टेस्ट? किस डेट में था आपका टेट टेस्ट? कहाँ पे? नासिक में। तो सबसे पहले भाई, आप अपना एक्सपीरियंस ये बताइए कि वहाँ पर आपके साथ कैसा क्या हुआ। हालांकि एंटी का तो हमको पता है कि एंटी कैसे होती है, बट वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या करवाया गया आपसे और क्या क्या सावधानी बच्चे रखें। थोड़ा लाउडली बोलिए, थोड़ा तेज। बायोमेट्रिक था, बायोमेट्रिक होने के बाद में ऊपर ले जाके बैठा दिया था हमें, मतलब एक पोस्ट की और 145 बंदे थे। हाँ हाँ, उसके अंदर मतलब हमें बाद में वो कटिंग वटिंग करवाई वहाँ पे पेटों की। अच्छा, पेड़ों की कटिंग। कटिंग कराई और एक जो बोलते हैं ना कलम बनवाना। हाँ हाँ, मतलब जैसे दो पेड़ों का एक वो करते हैं ना। हाँ हाँ, जोड़ते हैं। हाँ वो करवाया और बाद में मतलब दो बंदे के दो ही काम करवाए थे। और उसके बाद में जैसे इतना ज्यादा खास कुछ करवा नहीं रहे थे वो, और थोड़ा वो अधिकारी थे वो रिलेशन वगैरह भी ज्यादा ही देख रहे थे कुछ वहाँ पे। अच्छा, एक बंदों को लोगों के पास किया वहाँ पे। आप लोग कितने थे, टोटल कितने बच्चे थे वहाँ पे गार्डनर वाले? टोटल 145 थे। 145 थे ही टोटल। पास कितने हुए थे? लगभग 10 से 15 बंदे पास हुए। और सब लोगों के ग्रुप एक साथ गए थे गार्डनर में कि पांच पांच दस दस करके, कैसे ग्रुप बनाया आपका? वो पहले 20-20 बुला रहे थे, बाद में उनमें से 4-4 को बुला रहे थे। अच्छा, पहले 20 में डिवाइड कर दिया, फिर देन इसके बाद 4-4 के बैच बना है। हाँ। और फिर गार्डनर में ले जाके आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ पे खड़ा करके वर्क देते थे, टाइमिंग थी क्या सा क्या था? उसके लिए टाइम फिक्स नहीं था कि कितने टाइम में करके दिखाना है? टाइम फिक्स कुछ नहीं दे रहे थे। अच्छा, आपको सिर्फ करके दिखाना था बस? और वो काफी मेज भी काफी कट गया, मतलब 3-3:30 बजे से वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वह काम सल्टाने के अंदर लगे हैं जल्दी जल्दी, मतलब उन्हें भी अधिकारी होते हैं, वो भी सोचते हैं कि जल्दी से फ्री करके हम भी जो है उस अधिकारी सिस्टम से चल रहे थे वो भी। तो आपसे तो आपने बोला कि वो कटिंग करवाई थी कि छोटे वाले कलम करवाई, और भी बच्चों से क्या क्या करवाया वहाँ पे, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए अपना। और भी आपके साथ वाले थे उन लोगों से क्या क्या करवाया गया? सभी से सर वो जैसे बुला रहे थे बुलाते, मतलब कटिंग के लिए कटिंग करवा दी, फिर उसके बाद में थोड़ा वो खाद वगैरह पानी वगैरह, और वो कीड़े थे इसका नाम क्या है कुछ नहीं पूछ रहे थे। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हो रहे थे कि क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी ट्री से रिलेटेड? कुछ भी नहीं पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, सिर्फ वो कटिंग करा रहे थे। और वो तो इतनी मतलब जल्दी में थे, मतलब जैसे एक बंदे को आधा मिनट एक मिनट भी नहीं दे रहे थे। अच्छा, सिर्फ नाम नाम ही करवा रहे थे कि हाँ आपका टेट टेस्ट है? तीन कार्ड तीन से
था और 5:30 से हमने सबको फ्री कर दिया, इतनी फास्ट किया था। हाँ जी, तो सही बात है कि आधा मिनट में क्या टेस्ट होगा। सही है, सिर्फ वो तो अपने हिसाब से ही सिलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा ऐसा लगा वहां के देखने में। उनके ही हिसाब से बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हैं, काम वाम तो सिर्फ नाम है वहां पे, है ना। हाँ हाँ, फिर आपका क्या हुआ, आपका हो गया? हाँ सर, मेरा तो हो गया सर, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मेरा आगे हो जाएगा। 10 लोगों पास क्या है, 1 और 15 बच्चों के पास। हाँ जी, भी सही बात है कि अभी भी 10 के बीच में कॉम्पिटिशन है। अच्छा, रिटर्न में। हाँ हाँ सही है। अब चलिए, वहाँ पे तो शायद ये लास्ट डेट था 20 तारीख को, वहाँ के सबके टेस्ट खत्म हो गए हैं नासिक। हाँ हाँ वहाँ पे सिर्फ आप लोग ही बचे थे गार्डनर वाले, है ना। अब अच्छा, जो दूसरे ग्रुप वाले बच्चे हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में स्टार्ट हो गए हैं, तमिलनाडु में चल रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा एडवाइस दीजिए कि कैसा क्या करवाते हैं वहाँ पे थोड़ा। उन्हें सर वैसे थोड़ा फर्टिलाइजर का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मतलब वो कटिंग वटिंग का, थोड़ा फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर क्या है। अच्छा हाँ हाँ, बेसिक नॉलेज हर एक चीज का होना चाहिए। और आप आपने वो हमारे, अच्छा आवाज आ रही है बहुत। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको इस चैनल से एक वीडियो पड़ा था गार्डनर के ऊपर, उससे हेल्प मिली कुछ? इसी चैनल पे अपनी यू आर एग्जाम गोली चैनल पे एक वीडियो है गार्डनर का, उसमें हेल्प मिली आपको कुछ? हाँ सर, उससे हेल्प मिली, मेरे को कुछ आइडिया हुआ उससे कि कैसे क्या कुछ करना है। उसके मैंने सर वो चेक किया था यूट्यूब पे, थोड़े सिस्टम पहले कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ नहीं, उसमें जो सब चीजें बताई गई हैं, कैसे कटिंग करना है, कैसे आपको खाद का ज्ञान होना चाहिए, पेड़ पौधे के नाम भी याद होना चाहिए, लगाने का तरीका, सीड्स लगाने का तरीका, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो फिर भाई आपके लिए थैंक यू, आपने इतना अनुभव शेयर किया। हाँ, अंत में बोल दीजिए बच्चों के लिए क्या सलाह देना चाहते हैं इसके लिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आपने बात की अभी महेश जाट से, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पे हैं, अभी आप सुन पा रहे थे उनको मुंबई से, इसलिए ज़्यादा बात नहीं की, आवाज़ आ रही थी। आप लोग को उन्हें एक्सपीरियंस बताया कि हाँ वहाँ पे कुछ खास नहीं करवाएगा, सिर्फ एक एडमिट दे रहे थे एक बच्चे के लिए, इनसे कटिंग करवाई गई। जैसे कि आप जानते हैं कि छोटी छोटी कलमें बनाना रहता है, एक से दूसरे पेड़ को मर्ज करके नई कलम तैयार की जाती है। तो यदि आप चाहते हैं विस्तार से इस चीज़ को जानना गार्डनर में क्या करवाया जाएगा, तो आप अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको गार्डनर वाली वीडियो मिल जाएगी। उसमें हर एक चीज़ समझाई गई है कि कैसे कलम की जाती है, कैसे आप लोग को वहां पर टूल्स का ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, और आप लोगों को खाद का तो, और आप पेड़ का नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से मौसमी वृक्ष होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। आप यदि उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी 99% तैयारी हो जाएगी, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि इस भाई ने भी बताया। तो तब तक लिए डियर फ्रेंड्स, टेक केयर। यदि आपके कोई कमेंट्स हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।